हेलो दोस्तों, मैं ललित LMS UGC नेट ज्योग्राफी के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका संबंध हमारे भू आकृति विज्ञान से है। ठीक है, जैसा कि भू आकृति विज्ञान में हम लोग बहुत से सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें डेविस और पिंक ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेविस और पिंक के सिद्धांत को हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है और ये हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको समझने का प्रयास करें कि डेविस और पिंक ने जो भी सिद्धांत दिए हैं उनका जो तुलनात्मक और विशद अध्ययन है वो किस प्रकार से है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि तुलनात्मक रूप से अगर इसका अध्ययन करें, तो जो डेविस के विचार हैं और पिंक के विचार हैं, दोनों लोगों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन या फिर भिन्नता देखने को मिलता है। परिचय की अगर सबसे पहले बात करें तो डेविस जो थे वो एक अमेरिकन भू अर्थशास्त्री थे, भू आकार की शास्त्री थे। ठीक है, वहीं अगर पिंक की बात करें तो पिंक एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, वहीं इन्होंने जो प्रतिपादन किया है तो इन्होंने अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया है, और कब किया था तो 1899 ईस्वी में डेविस ने किया हुआ था। वहीं पिंक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1924 में किया हुआ था। ठीक है, अगर इस सिद्धांत का नामकरण की बात करें तो इन्होंने इस सिद्धांत को भौगोलिक चक्र सिद्धांत का नाम बताया था डेविस महोदय ने। वहीं पिंक के अनुसार इन्होंने इसका नाम मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम रखा था। ठीक है, डेविस के अगर सिद्धांत का अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो जो डेविस का मुख्य उद्देश्य था वह भू आकारों का विवरण एवं उत्पत्ति को प्रस्तुत करना था। ठीक है, वहीं अगर पिंक के विचारों में अगर देखें तो पिंक का जो उद्देश्य था सिद्धांत का, वह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण करते हुए उनका भू आकारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको समझना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परिणाम की, तो क्या परिणाम निकला, तो डेविस के अनुसार जो अपर्दन चक्र है वह संरचना, प्रक्रम व समय का परिणाम है। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुँचे, जिसको डेविस का ट्रिकट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले मैं आप लोगों को ये इसके पहले एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इसको ये कहा गया है कि डेविस के अनुसार यह क्या है, अपर्दन चक्र संरचना, प्रक्रम और समय का परिणाम है। इसी को डेविस का ट्रिकट सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर पिंक के अनुसार अगर देखें तो पिंक ने भू दृश्य कई अवस्थाओं एवं उत्थान की दर व अवनयन का परिणाम है, ऐसा माना है उन्होंने। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो उत्थान अपर्दन संबंधी क्या क्या है, तो इनके अनुसार पहले उत्थान होता है और फिर अपर्दन प्रारंभ होता है डेविस के अनुसार। वहीं अगर पिंक के अनुसार, तो पिंक ये बताते हैं कि उत्थान व अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग डेविस की बात करें, उत्थान की जो अवधि है तो डेविस के अनुसार जो उत्थान की अवधि है वह कम होती है। वहीं अगर पिंक के अनुसार देखें तो उत्थान की अवधि काफ़ी अधिक समय तक रहती है। ठीक है, अब हम लोग अगर गति की बात करें उत्थान की, तो डेविस के विचार के अनुसार इन्होंने उत्थान की गति को काफ़ी तीव्र बताया है। ठीक है, वहीं पिंक ने उत्थान की जो गति है उसको इन्होंने काफ़ी मंद गति से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अवस्था की, तो अवस्था में अगर हम देखें तो डेविस ने अपने अपर्दन चक्र को युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तीन अवस्थाओं में बांट करके तब अध्ययन निकाला है। वहीं इन्होंने पिंक की अगर बात करें तो पिंक ने अपने चक्र में आपस्ती जिंडे, ग्लिखा फार्मिंगे व अवस्थी जिंडे रूपी अवस्थाओं का प्रयोग किया, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तुलना देखें तो अपर्दन की प्रक्रिया में डेविस के अनुसार प्रथम अवस्था में अपर्दन नहीं होता है, वहीं पिंक बताते हैं कि उनके अनुसार अपर्दन सभी अवस्थाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वहीं अगर ढाल के महत्व की बात करें तो डेविस महोदय ने ढाल का अधिक महत्व नहीं दिया है, लेकिन पिंक महोदय ने ढाल को विशेष महत्व दिया है और उन्होंने उन्नतोत्तर एवं नतोत्तर ढाल के भी बारे में बताया है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट कंपेयर की बात करें शेष बचे हुए टीले के रूप में, तो इन्होंने जो डेविस महोदय ने जो मैदान लास्ट में बचे हैं तो उसको इन्होंने मोनाडाना कहा है टीलों को, और वहीं
डेंक महोदय ने इन्होंने जो शेष बचे हुए टीले हैं उनको इन्होंने इंसेलबर्ग की संज्ञा दी है। वहीं अंत में एक और पॉइंट देख लें कंपेयर के ही संदर्भ में, तो संप्राय मैदान डेविस ने इन्होंने मैदानी भाग को पेनी प्लेन कहा है। संप्राय मैदान को डेविस महोदय ने पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। तो वहीं पिंक महोदय ने अंतिम मैदानी भाग को इंड्रप कहा था। ठीक है, अगर सिद्धांत की लोकप्रियता की बात करें तो डेविस के जो सिद्धांत था वह काफ़ी रुचिकर था और काफ़ी समझने में आसानी भी थी। वहीं अगर पेंक की बात करें तो इनका सिद्धांत काफ़ी ध्रुव था, और क्योंकि यह जर्मन भाषा में इनका उन्होंने अत्यधिक प्रयोग किया था इसी वजह से यह काफ़ी अरुचिकर सिद्ध हुआ। तो अंत में इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचते हैं कि जो डेविस का अपर्दन चक्र से संबंधित सिद्धांत था यह काफ़ी सिद्धांत रुचिकर रहा और अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों के आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं कि आज का यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।